कानपुर कमिश्नरेट पुलिस अब किसी अपराधी को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस अब तत्परता से कार्रवाई कर रही है, कुछ ऐसा ही गुडवर्क किया है। कानपुर पुलिस ने बीते दिनों हुए नाबालिग लड़के के अपहरणकर्ताओं में से एक और अपराधी की गिरफ्तारी की है। डीसीपी पश्चिम बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि 21 अक्टूबर को एक नाबालिग छात्र की कोचिंग जाते समय अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने टीम गठित कर सघन चेकिंग अभियान चलाया और उसी दौरान छात्र को बरामद किया और दो अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस अपहरण कांड से जुड़ा एक अभियुक्त अजय द्विवेदी फरार चल रहा था। बीते मंगलवार को डीसीपी पश्चिम की स्वाट टीम ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। आप सभी को पता है कि दिनांक 21 को वैभव सिंह नामक एक 15 साल का छात्र का अपहरण हुआ था। उसी के दौरान हम ऑपरेशन वैभव कर रहे, उसी दिन उनको सकुशल बरामद भी किया है। उसके बाद कल हमारे पश्चिम के स्वाट टीम को और एक सफलता मिली है। इनका नाम है अजित द्विवेदी उर्फ आर्यन, उम्र 18 वर्ष, ये जनपद बांदया का है, ग्राम गौरी काला। तो इनको कल रात को हमारे स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया है, आज दाखिल हो जाएंगे। बरामदगी कुछ नहीं, उनको कल रात उन्हीं के गांव से हमने मतलब हमारे टीम ने पकड़ा है और कुछ बरामदगी नहीं। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।